हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शुभम और आज हम आए हैं गुजरात के अंकलेश्वर में। अभी आए हैं गुजरात के अंकलेश्वर के, हम हैं रंग रसिया में जो कि अंकलेश्वर टाउन में है। और आज हम यहां पर देखने आए हैं गरबा डांस जो कि गुजरात में ये जानी जाती है। गुजरात अपने गरबा और डांडिया डांस के लिए जानी जाती है। तो आज हम यहाँ पर गुजरात में जब अभी हैं तो हम इसके कल्चर को पूरी तरीके से हम इसको अपने पास से देखेंगे और हम आपको भी दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर रंग रसिया में जाने के लिए यहाँ पर टिकट लगता है जो कि 100 रुपये का है। हम यहाँ पर लेंगे जो यहाँ पर जो ये रंग रसिया का जो कार्यक्रम है रात को 10 बजे से चालू होता है। रात को 10 बजे से रात को करीब करीब 3 बजे तक चलता है। ये देखिए, हमने ये टिकट ले लिया रंग रसिया से। देखिए किस अक्टूबर लिखा हुआ है, इसमें डेट भी लिखा रहता है। हर दिन के लिए अलग अलग डेट की टिकटें यहाँ मिलती हैं। अभी यहाँ पर स्टार्टिंग है। मैं अभी स्टार्टिंग में थोड़ा जा रहा था ताकि मैं एरिया को देख लूँ और आपको भी दिखा दूँ। यहाँ अभी पूरा खाली है। अभी देखिए, अभी कुछ देर बाद देखिएगा, यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है। ये देखिए, भाई साहब ने टिकट ले लिया और अभी हम अंदर चले जाएंगे। ये हमें वापस नहीं मिलेगा। ये देखिए, अभी थोड़ी सी खाली है। ये अंकलेश्वर टाउन के अंदर है रंग रसिया। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, इसी के अंदर में जो है मैदान में सब लोग आते हैं। सारे अपने फैमिली, बच्चे बूढ़े सब लोग आते हैं अपनी फैमिली के साथ रात को 10 बजे के बाद। आराम से सज धज के खाना वाना खा पी के आते हैं और यहाँ पर जी भर के मन भर के नाचते हैं। दोस्तों अगर मैं एक चीज़ बोलूँ, अगर हैप्पीनेस इंडेक्स में अगर नापा जाए ना, तो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है, जो गुजरात को अगर हैप्पीनेस इंडेक्स में देखा जाए तो मुझे लगता है इंडिया में सबसे अगर हैप्पी को खुशहाल स्टेट है तो वो मुझे लगता है गुजरात है। यहाँ पर देखेंगे आप, जी भर के लोग नाचते हैं, खुल के नाचते हैं, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, छोटे छोटे बच्चे, मतलब कोई भी छोटे छोटे बच्चे हो या यंग, तो जहाँ नाचते ही नाचते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ एक एडवर्टाइजमेंट की भी लगे हुए हैं। देखिए पूरा चेयर्स अभी खाली भी पड़े हुए हैं, कुछ देर बाद यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं होगी। ये देखिए, छोटा सा मैदान है यहाँ पर। अभी थोड़ा सा कुछ यहाँ पर इनका पूजा पाठ वगैरह होता है। पूजा पाठ के बाद फिर यहाँ पर जो है गरबा डांस चालू होता है। ये देखिए, सिक्योरिटी गार्ड भी लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है इनको नियंत्रण करने के लिए। ये देखिए, रात के 10 बज गए हैं। मैं तो अभी खाया पिया भी नहीं हूँ, अभी आ गए हैं आपको, ताकि ये वीडियो को रिकॉर्ड करके आपको लिए एक मेमोरी बना के यूट्यूब में डाल सकूँ। तो हम बाहर में भी कुछ खा लेंगे यहाँ पर, देखते हैं पहले। ये देखिए, पटाखे आतिशबाजी चालू हो गई है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर चालू हो जाएगा आपका गरबा डांस। ये देखिए, यहाँ पर जो है सब लोग पीछे, जो वहाँ पर जो है सिंगर्स भी आते हैं, सिंगर्स वहाँ पर गाना गाते हैं और उन्हीं गानों में डांस होता है। ये देखिए, अभी देखिए दोस्तों, अभी ये चालू हो गया डांस, देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए, सारे के सारे जो है कुछ बहुत सारे लोग जो है मतलब गुजराती जो है एक कल्चरल जो कपड़े जो हैं उसमें आए हैं। कुछ लोग ऐसे ही फॉर्मल कुर्ते में पजामे में आ गए हैं। देखिए बहुत अच्छे तरीके से डांस कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है। देखिए काफ़ी बहुत ही अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर सब लोग मिल के नाच रहे हैं। अब देखिए धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ जाएगी, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होगा। उसी के लिए बोलता हूँ, मुझे तो मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे अगर हैप्पीनेस इंडेक्स में नापा जाए तो गुजरात को मैं नंबर 1 पे रखूँगा। देखिए सब लोग खुल के डांस कर रहे हैं। देखिए कितनी भीड़ हो गई। देखिए चेयर थोड़ी देर पहले खाली था, अब देखिए पूरी तरीके से भर गई है। ये देखिए मैदान भी पूरी तरीके से भर गया है। देखिए सब लोग नाच रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर अभी कभी आपको गुजरात में आने का मौका मिले तो ये आप नवरात्रि के समय आइए और यहाँ पर गरबा जो डांस है उस चीज़ का आनंद लीजिए। यहाँ पर आइए, आप फैमिली के साथ आइए और इसमें इस आनंद को उठाइए। ये सब चीज़ होगा, देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से। ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही थी। कल मैं आपको फिर दूसरी जगह का एक वीडियो दिखाऊंगा। ये आज हम रंग रसिया में हैं, कल हम दिखाएंगे आपको गार्डन सिटी का। ये देखिए, हम पूरा भीड़ डांस के बीच से हम जा रहे हैं। देखिए सब लोग कैसे खुल के डांस कर रहे हैं। देखिए डांस करना वैसे बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेस भी कम हो जाता है। देखिए मुझे तो दोस्तों बहुत मज़ा आया। अगर आपको भी यहाँ पर कभी आने का मिले इस फेस्टिवल सीजन पे, तो आइए इस डांस का आनंद उठाइए। देखिए कैसे लोग पूरे सज धज के, इतने सब चाहे बच्चे बूढ़े यंग सारे के सारे लोग आए हैं इस डांस का आनंद उठा रहे हैं। देखिए कितनी भीड़ हो गई है। अब देखिए मैदान में पैर रखने की जगह नहीं हो रही है। देखिए रात के मतलब करीब करीब 11:30-12 बज गए हैं। देखिए कितनी भीड़ हो, अभी तक लोग आए जा रहे हैं। अब तो मुझे निकलना है दोस्तों, अब 11:30 बज गया है। अब मुझे क्योंकि कल ऑफिस भी जाना है, कुछ काम भी हैं तो मुझे अब जाना है क्योंकि रात भर तो मैं काम कर नहीं पाऊँगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। देखिए बाहर का सीन, देखिए बाहर कितनी भीड़ है, जो टिकट काउंटर के पास कितनी भीड़ है। देखिए लोग सिर्फ आए जा रहे हैं, 12 बज चुके हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए जगह में। चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए।